हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजेंद्र बलाक अपने न्यूज चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों देखिए, रितिका जो कि हमारा मुंह देख रही है, तो आज हम गेहूं के आटा को और सूजी को मिला के बनाने जा रहे हैं बिस्किट। तो आज आप लोगों को बहुत मस्त आने वाला है, बहुत बढ़िया दिखाने वाला है हम, और दिखाएंगे और चलते हैं। तो फटाफट से हो जाइए तैयार, और आज हम कुछ ना कुछ आप लोग देखिए। हमने आटा को ले चुके हैं, जो कि इतना आटा है, और इसमें हम मिलाएंगे सूजी। तो देखिए सूजी है, इसको मिलाया जाएगा। सूजी को मिला दिए, अच्छे तरीके से इसको मिला देंगे, मिक्स करके देंगे हम। मिला चुके हैं अच्छा से। कितना हो गया, अब इसमें हम डालेंगे देसी घी। अब वो देखे, अब इसको हम अच्छे तरीके से मिला देंगे, पूरा मिक्स कर देंगे बढ़िया से। देखिए मल के हम कितना बढ़िया बना दिए इसको, थोड़ा अच्छा तरीके से मले कम से कम 2 से 3 मिनट तक। आप देखिए कितना मस्त मुठ्ठा बना जा रहा था इसके। ऐसे ही बनेंगे तो भी बना जाएगा। तो आप लोग को हम इसमें आप चीनी मिलाएंगे, तो आप लोग दिखाते। देखिए हमने चीनी को ले लिए है, जो कि अपने अंदाज भर, जितना मीठा हो सके जितना हमारा चीनी मीठा हो जाए। तो चीनी में हम देख लिए कुछ पड़ा वड़ा नहीं है। अब इसमें दूध डालेंगे हम। देखिए ये हमने दूध लिए हैं, तो इसमें डाल देते हैं। ये दूध हो गया, जिसको हम कुछ करेंगे नहीं। देखिए इसमें दूध डाल दिए। आप लोग कोई चाहे तो, दूध नहीं है तो पानी से भी बना सकते हैं। देखिए इस तरह से। तो देखिए हम इसको डालने जा रहे हैं, जो कि बार डाल देते हैं। अब इसको हम हाथ से फिर मिला देते हैं अच्छे तरीके से। कितना मस्त तो हो भी चुका है। अब इसको हम चौकी और बेलना पे इसको बढ़िया से करके रोटी जैसा बनाएंगे, और इसको मिला देते हैं अच्छी तरीके से हम। देखिए इसमें हम दो भाग बना चुके हैं, जो कि इसको हम साइड कर देते हैं। देखिए हम इसको अब चौरस बनाएंगे। देखिए इस तरह से, जो कि फट फट जा रहा है, तो हम इसको इसमें साट देंगे अच्छे तरीके से। तो इस पर हम थोड़ा से बेलना है। फिर बेलना का सब ये तो सब देख रहे हैं, तरह मार दिया ना इसको हम, जो कैसे ऐसे करके इसको यकीन कर देंगे, ला नहीं रहा है ना इसके लिए। तो और बेलना चला देते हैं। देखिए हम इसी तरह से ऐसे काटेंगे इसको। ये हो गया। देखिए ऐसे ऐसे करके हम सबको काट डालेंगे। देखिए हमने इसको काट दिया, अब इसको हम बारी बारी से इसको हटा देते हैं। तो देखिए दादा पापा इसको हम इसे थाली में रख देते हैं।
ऐसे ऐसे करके हम सबको हटा देंगे, जो बचा है मेरा उसको दोबारा हम फिर बेल लेंगे अच्छी तरीके से। सट गया है इसमें, देखिए सब पूरा तैयार हो गया हम लोग का, बना चुके हम। अब इसको चलते हैं, अभी कच्चा है, बिस्किट जैसा है ना ये कच्चा है, इसको हम चलते हैं तेल में छानेंगे। देखिए तेल गर्म हो गया, अब इसमें डलाएगा रखे। देखिए मध्यम आंच पे चूरा आ जाएगा इसको। देखिए इसको हल्का आंच पे किया गया हुआ है, एक एक करके इसको पलटा जा रहा है अच्छे तरीके से, लाल होते चला जा रहा है। देखिए कितना मस्त इसका कलर बदल गया है, इसके लिए जो कि रितिका हिला रही है। देखिए होने वाला है, 2 से 3 मिनट हो गया है और हम इसको अब निकालेंगे, थोड़ा सा और हो जाएगा तो। देखिए अब निकाला जाएगा, हो गया है। देखिए वो निकल गया है सर, ऐसे ऐसे करके सब निकाला दिया जाएगा। देखिए हमारे गेहूं के आटा और सूजी को मिला के बनाए थे बिस्किट, जो कि बिस्किट हमारा तैयार हो चुका है और ये भी निकालेंगे। ये निकाला जाएगा फिर से, हमारा पूरा बिस्किट तैयार हो चुका है यहाँ पे इस तरीके से। उसमें है ये हमारा बिस्किट, जो कि गेहूं के आटा को और सूजी मिला के बनाए थे, जो कि एकदम तैयार हो चुका है, मस्त है ना, इसका कलर भी बदल गया है। देखिए इसको हम पहले से को तोड़ कर रख चुके थे, जो कितना इसका आया है। कोई दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर ले और सब्सक्राइब कर ले, और अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं। तो मेरा बाय बाय।